Hello guys, how are you all? Hope everyone is doing good. जो हमारा थ्योरी वाला सेशन चल रहा था क्लास 11th अकाउंट्स का, उसका ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 कवर करने वाले हैं। चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में। ठीक, चैप्टर शुरू कराने से पहले फिर से मैं रिकॉल करा दूं, आपके क्लास 11 के फाइनल एग्जाम में 80 मार्क्स में से 14 टू 15 मार्क्स आपका थ्योरी होगा, इसीलिए थ्योरी पे फोकस करिएगा। इसीलिए मैंने एक स्पेशल सेशन रखा हुआ है थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का। थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंट्स जब हम बनाते हैं उसमें क्या बेसिस फॉलो। ठीक है, the most significant functions of accounting is to determine profit earned or loss incurred by a business during an accounting period. देखिए, किसी भी business के लिए profit earned और loss incurred calculate करना, profit loss calculate करना ही main, कुछ ना कुछ एक aim यही होता है profit और loss calculate करना। देखिए, profit loss calculate करने का mainly दो तरीका है, एक cash basis follow करते हैं उसके through और दूसरा accrual या mercantile basis है। ठीक है, सिंपल कैश बेसिस आपको क्या बोलता है कि देखिए, इनकम हमारा इनकम जब ही है जब कैश मिल गया, और एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस जब ही है जब पैसा दे दिया हमने। क्लियर? यानी कैश बेसिस में हम इनकम और एक्सपेंस कब मानते हैं? जब हमने पैसा मिल गया तो इनकम है, पैसा दे दिया तो एक्सपेंस। ऑन द कंट्रेरी जो मेरा एक्रूअल या मर्केंटाइल बेस बोलता है वो क्या बोलता है? इनकम मेरा इनकम जब है जब मैंने उसके कोरिस्पोंडिंग जो मुझे गुड्स देना था या जो मुझे सर्विस देना था वो मैंने दे दिया, यानी इनकम मिलने का मेरे पास राइट आ गया तब मेरा इनकम है, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, और एक्सपेंस मर्केंटाइल एक्रूअल या मर्केंटाइल में मेरा एक्सपेंस कब होगा? जब मैंने उनसे अगले से सर्विस ले लिया या गुड्स ले लिया और पैसा पे करना मेरा ऑब्लिगेशन हो गया, चाहे मैंने पे किया या नहीं किया वो मेरा एक्सपेंस हो गया। यही दो लाइन के साथ मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बाकी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का मेरिट डिमेरिट भी होगा वो भी हम देख लेते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजेक्टेड। यानी कैश बेसिस में ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करते हैं? जब कैश का लेन देन हो गया, whether received or paid, चाहे वो रिसीव हुआ या पेड हो। इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसीप्ट ऑफ कैश, लाइकवाइज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड व्हेन दे हैव बीन पेड। ठीक है, यानी एक्सपेंस को एक्सपेंस कब मानेंगे? जब वो पे हो गया, और रेवेन्यू को इनकम कब मानेंगे? जब वो रिसीव हो गया। द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस रिप्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, यही है बस, इसमें कोई उतना इशू नहीं है। इसका मतलब एक बात बताइए, ऑलरेडी मैंने जो चैप्टर्स है उसमें मैंने आपको बताया है ऊपर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, फिर से मैं बता दे रहा हूं। देखिए क्या होता है, देखिए एक तो मेरा हो गया एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस में दो कैटेगरी हो सकता है, एक हो सकता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और दूसरा है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। जो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो क्या बोलता है कि इंकर कर दिया, यानी खर्च हमने कर दिया बट नॉट पेड। ठीक है, और यहां पे क्या बात होता है? पेड बिफोर इंकरिंग, पेड बिफोर इंकरिंग। ठीक है, यानी यहां पे हमने पे कर दिया बिना इंकर किए हुए, यानी एडवांस में, और यहां पे मैंने बेनिफिट ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब एक बात हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, एक बात बताइए, क्या मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस रेलिवेंट है कैश बेसिस में? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरा कैश बेसिस में है वो एक्सपेंस कब होता है? जब पे हो गया। अब जब पे हो गया तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है, यानी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग और एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस इरेलीवेंट है मेरे लिए, कब? जब हम कैश बेसिस फॉलो करते हैं तब। ठीक है, सेम वे जो हमारा इनकम होता है या रेवेन्यू होता है या रिसीट होता है, सीधे बोल सकते हैं। ठीक है, या सीधे इनकम ही बोलते, कोई इशू नहीं। ठीक है,
इनकम भी हमारा दो तरह का हो सकता है, एक तो एक्रूड इनकम और दूसरा हमारा है एडवांस इनकम। एक्रूड इनकम मतलब क्या, अर्न कर लिया, यानी इनकम हमने अर्न कर लिया बट नॉट रिसीव, लेकिन कैश बट नॉट रिसीव, कैश अभी रिसीव नहीं हुआ। सेम एडवांस इनकम क्या बोलता है, रिसीव बिफोर अर्निंग, रिसीव बिफोर अर्निंग, ठीक है, यानी पैसा कमाया नहीं है लेकिन मिल गया, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी मेरे कैश बेसिस में नहीं एक्रूड इनकम कवर होगा नहीं एडवांस इनकम, क्योंकि कैश बेसिस में इनकम इनकम कब है, जब मुझे मिल गया कैश में। अब जब कैश का ट्रांजैक्शन हो ही गया तो एक्रूड और एडवांस इज इररिलेवेंट हमारे लिए, ठीक है। तो लेकिन जो एक्रूअल बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस है उसमें सारा कवर होगा, ठीक है, वो वहां के लिए रेलिवेंट है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट पेड, यानी ड्यू हो गया यानी इनकर हो गया लेकिन पे नहीं हुआ। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस, यानी वो एक्सपेंसेस जिनको हमने एडवांस में पे कर दिया, ठीक है। अगला एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या है, इनकम विच हैज बीन अर्न, यानी जो इनकम हमने कमा लिया है बट नॉट येट रिसीव्ड, ठीक है, और रिसीव नहीं हुआ। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या एडवांस इनकम क्या होता है, इनकम विच हैज नॉट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर इट हैज बीन अर्न, यानी इनकम अर्न नहीं हुआ लेकिन रिसीव हो गया, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, चाहे मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, एडवांस इनकम हो, एक्रूड इनकम हो, ये मेरे कैश बेसिस में कवर नहीं होता है, ठीक है। अब अगला क्या करने वाले हैं, अगला है हमारा एडवांटेज, किसका, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। पहला तो ये बहुत ही सिंपल है। दूसरा अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जैसा कि हमने देखा है अकाउंट्स के अंदर क्या है, बहुत सारा जजमेंट है, लेकिन जैसे ही आप कैश बेसिस फॉलो करेंगे आपका जजमेंट और एस्टिमेट का के साथ बहुत कम ही मुलाकात होगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर ऑन कैश बेसिस, ये किन के लिए सुटेबल है, जहां पे ज्यादातर ट्रांजैक्शन हमारा कैश में ही है, ठीक है। जब सारा ट्रांजैक्शन ज्यादातर कैश में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कैश बेसिस ही फॉलो करो, क्योंकि उस केस में तो कैश और मर्केंटाइल या एक्रुअल बेसिस में कोई डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा। अगला है हमारा डिसएडवांटेजेस का, देखिए ये जो है ये मेरा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता, यानी ट्रू और फेयर पिक्चर नहीं देता प्रॉफिट लॉस का या फाइनेंशियल पोजीशन का। एक्चुअली एक बात बताएं, आप ही खुद सोचिए, कोई इनकम इनकम कब होता है, रिसीव होने पे या इनकम अर्न करने का, अर्न करने का मेरे पास अगर राइट आ गया तब, राइट आ गया तो इनकम हो गया। अब ये बोल रहा है इनकम जब है जब रिसीव हुआ, या एक्सपेंस जब है जब मैंने पे किया, तो ये थोड़ा सा ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं देता। इट डजेंट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल, ये मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं करता, जो हमने अभी पिछले वीडियोस में हमने किया हुआ है मैचिंग प्रिंसिपल की, जब हमारा कोई इनकम है उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी हमको कवर करना चाहिए, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो पाता। दिस सिस्टम डजेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ये डिफरेंस नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस सीधे सीधे जब हमने खर्च कर दिया एक्सपेंस है, तो एसेट परचेज हुआ यहाँ पे एक्सपेंस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन वाला कोई झंझट ही नहीं है। अच्छा इस पे एक इलस्ट्रेशन वन कर देते हैं, छोटा ही है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 अशोक का कैश सेल हो गया 3,90,000, क्रेडिट सेल कवर ही नहीं करेंगे। हिज एक्सपेंसेस वेयर 2,70,000 आउट ऑफ व्हिच इतना इज स्टिल टू बी पेड, यानी पे कितना हुआ 1,90,000, एक 90 हुआ और इनकम में बस 3,90,000 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 3,90,000 1,90,000 माइनस हो गया, 2,00,000 इसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन रियल अगर आप सोचिए तो रियल में कितना होगा 3,00,000, अगर हम इसी को एक्रुअल बेसिस बनाएंगे तो 3,90,000 प्लस 1,60,000 दोनों को जोड़िए, तब तक तो टोटल सेल्स निकलेगा 5,50,000 हो गया। अब इसमें से माइनस कर दीजिए 2,70,000, ये हमारा एक्रुअल वाला प्रॉफिट होगा, ठीक है, 2,80,000 के आसपास आ गया, ठीक है। अब आ गया हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हम इनकम और एक्सपेंस कब मानते हैं। अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अनलाइक कैश बेसिस इनकम इज रिकॉर्डेड, इनकम कब रिकॉर्ड होता है, इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्नड और एक्रूड, यानी जब अर्न हो गया तभी हो जाएगा, वेदर रिसीव्ड और नॉट। सिमिलरली
इफ एन एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड बट नॉट पेड हैज टू बी हैज नॉट बीन मेड, ठीक है, बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, यानी कि एक्सपेंस को एक्सपेंस कब मानेंगे, जब इनकर हो गया, चाहे पैसा पे किया हमने या नहीं, इट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, ठीक है. Accrual basis is based on the concept of realization and expiration and follows two basic accounting principle. पहला हमारा क्या ये follow करता है? Revenue recognition principle और matching principle दोनों ही यहाँ पे follow होता है. On the contrary, cash basis पे ये दोनों follow नहीं होता है हमारा, ठीक है. अब इसका भी हम advantage देख लेते हैं. Advantage क्या है? More scientific है ये, ठीक है, logical है, complete picture of financial transaction देता है, सही picture देता है ये. This basis discloses correct profit loss, reflects true profit and loss during the accounting period. ठीक है, reflects true financial position यानी balance sheet वाला, ठीक है, यानी asset liability और capital का भी position ये true देता है, ठीक है. एक second. अगला हमारा disadvantage. Disadvantage देखिए, उसका जो जो हमारा cash basis का advantage है, ये इसका disadvantage हो जाएगा, और उसका जो disadvantage है, वो इसका advantage हो जाएगा. तो disadvantage देखते हैं कि ये simple नहीं है, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू इलेबरेट, बहुत लेंदी है, और जल्दी से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारा एडजस्टमेंट भी हमारा होता है. अच्छा, इस पे भी एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं. इलस्ट्रेशन टू, टेकिंग द फिगर्स इन फिगर वन, वही कैलकुलेट तो ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया. टोटल सेल्स यहाँ पे 550 माइनस 270 हो गया, ठीक है. अच्छा, इससे एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों में आप डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है, कर लेंगे आप. देखिए, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे दोनों कैश और क्रेडिट दोनों कवर होता है, यहाँ पे केवल कैश ट्रांजैक्शन कवर होता है. यहाँ पे प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्रूड इनकम यहाँ पे कंसीडर होता है, यहाँ पे कंसीडर नहीं होता. प्रॉफिट लॉस यहाँ पे करेक्ट मिलता है, यहाँ पे करेक्ट नहीं होता. टेक्निकल नॉलेज इसके लिए चाहिए, ये सिंपल नॉलेज के साथ हो सकता है. लीगल पोजिशन, जो भी हमारा कंपनी एक्ट हुआ, इनकम टैक्स एक्ट हुआ, ये सारा बोलता है एक्रूअल बेसिस फॉलो करने के लिए, ये नहीं करने के लिए, ठीक है. एक्सेप्टेबिलिटी, एक्रूअल वाला ज्यादा एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये रिलायबल है, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट या करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है रादर देन कि ये. सुटेबिलिटी, ये लार्ज बिजनेस के केस में ये सुटेबल है, और जब बिजनेस का ऑपरेशन हमारा, या तो ऐसा कोई बिजनेस है मेरा जो कि कैश बेसिस पे फॉलो करता है, ठीक है, यानी कि जहां पे ज्यादातर ट्रांजेक्शन कैश नेचर का है, तो फिर ये है, ठीक है. इसमें एक थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर, इटीसी, सिंस दे आर कंपैरेटिवली लेस, दे रिक्वायर कंपैरेटिव लेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि वहां पे लेस इंफॉर्मेशन कंपैरिजन. देखिए, एक्चुअली सुटेबिलिटी एक्रूअल बेसिस, तो देखिए एक्रूअल बेसिस तो किसी के साथ सुटेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कैश बेसिस है वो वहां पे सुटेबल है जहां पे कंपैरिजन चाहिए नहीं मेरे पास, या जहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन कैश पे ही है, ठीक है, तो फिर वहां पे हम कैश बेसिस यूज करते हैं. ये क्वेश्चन आप करिएगा, बाकी मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं. डॉक्टर अरविंद कृष्णा, देखिए प्रोफेशनल्स हो गए, एनजीओ हो गए, वहां पे कैश बेसिस चलेगा, तो डॉक्टर है, प्रोफेशनल्स है, ठीक है. Dr. Arvind Krishor, a homeopath doctor, in practice has been advised by his accountant to maintain his books on accrual basis instead of presently followed cash basis. Do you agree? No, I do not agree. Cash basis इनके लिए more appropriate होगा, क्योंकि इनका जो profit loss और balance sheet बनेगा वो कहीं पर comparison नहीं करना. ये कोई company तो है नहीं कि इनको अपने competitors से compare करना. तो NGOs और प्रोफेशनल्स के केस में हमें क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल्स के केस में हम कैश बेसिस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है. दूसरा, मेसर्स काला ब्रदर, अ ड्रिलर इन कंप्यूटर हार्डवेयर, हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 10 जो भी है कंप्यूटर्स या कुछ है, ठीक है, अलोंग विद एन एडवांस ऑफ 50,000. द फर्म मेंटेन्स इट्स अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस, अकाउंटिंग शुड बी मेंटेन्ड फॉर इतना टू बी क्रेडिटेड टू सेल्स. ये बोल रहा है कि 50,000 का एडवांस इसको रिसीव हुआ, तो 50,000 का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए अगर एक्रूअल बेसिस फॉलो करना. अभी सेल हो गया, नहीं सेल नहीं हुआ तो मेरा इनकम नहीं है, तो इनकम नहीं मान सकते, उसको क्या मान लेंगे हम, एडवांस, ठीक है. इनकम कब मानेंगे, जब हमने गुड्स दे दिया, उसको सेल कर दिया, ठीक है. अच्छा, एमसीक्यू क्वेश्चंस, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड. एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करते हैं, जब पे करते हैं, ठीक है, और एक्रूअल बेसिस पे कब करते हैं, जब इनकर करते हैं, ठीक, अंडर द एक्रूअल जब इनकर करते हैं, ठीक है. Accrual basis of accounting doesn't give a true fair view, give true and fair view, ठीक है,
accrual gives true and fair view. ठीक है, accrual basis of accounting recognizes सबको रिकॉग्नाइज करता है, आउटस्टैंडिंग को, प्रीपेड को, accrued को और एडवांस को, इसीलिए बोथ ए एंड बी. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, अंडर accrual basis of accounting both cash and credit transaction are recorded. देखिए accrual में ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि cash के केस में हमारा कैश केवल कैश वाला ट्रांजैक्शन है तो accrual के केस में केवल क्रेडिट होगा, ऐसा नहीं है. accrual के केस में दोनों कवर होता है, कैश भी और क्रेडिट भी, तभी तो फुलफिल है वो, अच्छा बेस्ट है. ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये इजी है, आप खुद से कर लीजिएगा, बाकी कोई अगर डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा. बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. चलते हैं फिर, बाय, थैंक यू वेरी 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 मच, बाय.